शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे जनरल नॉलेज के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। आपका लाइक और शेयर ही हमारा मेहनत का फल होता है। नंबर वन पर है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और दोस्तों, सही आंसर बताने के लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा, और इससे ज़्यादा समय आप चाहते हैं तो वीडियो को आप रोक सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगन्नाथ मिश्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का निधन हो गया। वह 83 साल के थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SO11 किस खेल से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइकिलिंग। SO11 ने विश्व जूनियर ट्रॉफी चैंपियनशिप में 2 पदक जीते, जिससे भारत ने इस विश्व कप टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में 6ठे स्थान पर रहा। जर्मनी, न्यूजीलैंड और यूनान से पहले 3 स्थानों पर कब्जा जमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA को लागू किया गया था? दोस्तों, आपको बताना है कि एक्ट PSA कब लागू किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 अप्रैल 1978 को। जम्मू और कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम को 8 अप्रैल 1978 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से, यह कानून सरकार को 16 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना 2 साल की अवधि हेतु बंदी बनाने की अनुमति देता है। इसे अक्सर बेरहम कानून के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को हाल ही में किस हानिकारक गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश घोषित किया गया? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। हाल ही में ग्रीन पीस एक पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जो वैश्विक स्तर पर कोयला आधारित पावर प्लांट के कारण मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 15% से अधिक का योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने धूम्रपान प्रतिबंध के लिए निकोटीन को जहर के रूप में वर्गीकृत किया? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध के प्रवर्तन को मंजूरी करने के लिए निकोटीन को कर्नाटक जहर पोजीशन एंड सेल नियम 2015 के तहत एक जहरीले पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट छोटी सी बैटरी से चलने वाली उपकरण है, जो धूम्रपान करने वाले को तंबाकू के समान अनुभव प्रदान करने के लिए तरल निकोटीन यानी लिक्विड निकोटीन को वाष्पित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बजरंग पुनिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बजरंग पुनिया दीपा मलिक ने वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहां राज्यपाल भवन में भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थापित किया गया? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र।
हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में राज्यपाल भवन भूमिगत बंकर संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह 15,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में किया गया है। यह 19वीं शताब्दी में दुश्मनों के जहाजों के पास तोपों को चलाने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अनस किस खेल से संबंधित है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, एथलेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। भारत के शीर्ष फर्राटा धावकों हिमा दास और मोहम्मद अनस ने चेक गणराज्य में एथलेटिक्स मिटिनेक रिटर स्पर्धा में क्रमशः पुरुष और महिला 300 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम देश जहां स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची जारी की गई? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद ICMR ने देश की प्रथम राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची जारी की है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के अलग अलग स्तरों पर परीक्षणों की विस्तृत रेंज प्रदान करने के लिए निशुल्क नैदानिक सेवा पहल यानी FDI और स्वास्थ्य मंत्रालय की अन्य नैदानिक पहलों पर निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेह लद्दाख। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 17 अगस्त 2019 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लद्दाख के लेह में 9 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। आदि महोत्सव संयुक्त रूप से जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है और आदिवासी शिल्प संस्कृति और वाणिज्य की भावना का उत्साह विषय के साथ आयोजित किया जाता है। लद्दाख क्षेत्र के लिए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की घोषणा के बाद भारत सरकार द्वारा आयोजित यह पहला मेगा इवेंट है जिसमें 97% आदिवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का अगला मुख्य कोच कौन होगा? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, रवि शास्त्री। तो दोस्तों, रवि शास्त्री नवंबर 2021 तक विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में जारी रहेंगे। BCCI ने शास्त्री और उनके सहयोगी स्टाफ के अनुबंध के बाद जुलाई 2019 में ICC विश्व कप के बाद समाप्त हुए मुख्य कोच पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम संस्कृति इंटरनेट रेडियो सेवा का शुभ आरंभ किया गया? दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, नासिक महाराष्ट्र। 15 अगस्त को महाराष्ट्र के नासिक में विश्व के प्रथम संस्कृत इंटरनेट रेडियो स्टेशन संस्कृत भारती का शुभ आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य देवभाषा संस्कृत के प्रति लोगों को और अधिक सहज बनाना है। हमें ध्यान देना चाहिए कि 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व संस्कृति दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे तमिलनाडु सरकार द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के सिवान। तमिलनाडु सरकार ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के चेयरमैन के सिवान को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से नवाजा। सरकार ने कहा कि हाल ही में चंद्रयान 2 मिशन के सफल प्रक्षेपण का नेतृत्व करने वाले कैलाश वाद्यु सिवान ने अभी पुरस्कार हासिल नहीं किया है और वह बाद में मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी से पुरस्कार हासिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दिग्गज अभिनेत्री का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया।
हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्या सिन्हा। अपने समय की मशहूर अभिनेत्री विद्या सिन्हा का निधन हो गया, वह 71 वर्ष की थी। विद्या को रजनीगंधा, छोटी सी बातें में, अमोल पालेकर के साथ अभिनय और पति पत्नी और वे समेत कई फिल्मों में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, 2019 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर इंदौर है, जो कि सफाई के मामले में पिछले 2 सालों से लगातार पहले स्थान पर है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल वाला आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप देख पाए हमारे न्यू वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।